Hello guys, you are most welcome in Om Nursing Knowledge channel and myself Shweta Dubey, and today I am going to discuss about causes of respiratory diseases. अगर किसी person को respiratory से related कोई disease होता है तो क्या क्या उसके causes हो सकते हैं उसके बारे में हम detail discuss करेंगे और जिसे हम एक mnemonic के द्वारा उसे learn करेंगे. तो let's begin. So मेरा mnemonic है PC Fed Brams. P for pneumonia, C for cystic fibrosis. So cystic fibrosis एक ऐसा disease condition होता है जिसमें lungs and digestive system का जो lining होता है उसको damage कर देता है and sweet mucus and digestive उसको produce करने वाली cell को अफेक्ट करता है, जिससे कि जिस पाथवे से म्यूकस सूट्स फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है. एंड एफ फॉर फॉरेन बॉडी. फॉरेन बॉडी मीन्स अगर कोई हमारे नोज़ ईयर्स एंड माउथ के रास्ते से अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है मीन्स वो फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से भी हमें डिजीज रिस्पायरेटरी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं. एंड ई फॉर epiglossitis. epi means upper and glossitis means inflammation of tongue. सो जो हमारा टंग होता है उसकी इनर मोस्ट पोर्सन में इन्फ्लामेशन हो जाता है. सेकेंड है ड्रग इंड्यूजन. बहुत सारा ड्रग लेने से भी कॉज कर सकता है. एंड ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइल्स. एंड रेज ICP. जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर अब बढ़ जाता है तो भी रिस्पायरेटरी फेलियर कॉजेज कर सकता है. एंड अस्थमा. अगर पेशेंट कोई अस्थमा का है तो रिस्पायरेटरी डिजीज कॉज कर सकता है. एंड हेड इंजरी भी कॉज कर सकता है. एंड मेनिनजाइटिस. मेनिनजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड मसल्स वीकनेस. और बहुत जब मसल्स वीकनेस होने लगे तो भी रिस्पायरेटरी डिजीज कंडीशन को कॉज कर सकता है. एंड सीवियर कार्डियक फेल्योर. और यह कार्डियक को भी फेल्योर कर सकता है. सो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन फ्रेंडशिप सर्कल फॉर अपग्रेडिंग योर नॉलेज. थैंक यू.